हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर आपके पास इंग्लिश में मैसेज आता है तो उसे आप किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसे किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो से मैं आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पास दो मोबाइल हैं और एक मोबाइल से मैंने यहाँ पर मैसेज किया है इंग्लिश में और यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जिन लोगों को यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो वो किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इस आइकन को स्क्रॉल करेंगे और ये हिंदी में हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में मैसेज भेजना चाहते हैं किसी को तो आप किस तरीके से कर पाएंगे वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी आ गई है और एक साइड में इंग्लिश आ गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख के भी आ गया है कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है आई एम गोइंग टू दिल्ली टूमोरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंड करेंगे तो यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं और आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर हिंदी में टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश में ऊपर कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करते हैं और वो फिर उसके बाद में हिंदी में टाइप होता रहेगा ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश में और ऊपर यहाँ पर हिंदी में आ गया। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ इन सारी सेटिंग्स को, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब मैं यहाँ पर टच करूँगा जैसे ही, तो वो उधर यहाँ पर हिंदी में आ गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं। अब इन सेटिंग्स को आपको किस तरीके से अपने फ़ोन में करना है वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से सिंपली कट करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हम सर्च बार में यहाँ पर लिखेंगे जी वर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे और आप इसे देख लीजिएगा, ये आपके फ़ोन में होगा। अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद में अपडेट कर लीजिएगा अगर आपका ये अपडेट मांग रहा है तब, ठीक है। मैं इसे बाद में कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है जिसका नाम है हाई डिक्शनरी, ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है। इससे आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि ये है, इसे आप सिंपली ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये आइकन है, मैं इसे सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इसे एकदम बिल्कुल नए सिरे की तरह कर देता हूँ। कहाँ होगी एच आई ट्रांसलेट, तो इसका मतलब एच पर होगी हमारी, जैसे कि ये है। तो मैं इसे सिंपली क्लिक करता हूँ और ऐप इन्फो पर जाता हूँ, उसके बाद में हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्टोरेज, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है ये क्लियर और क्लियर स्टोरी, इस पर हम सिंपली ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से बैक आएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर साइड में कोई भी आइकन नहीं है, ठीक है। तो वो आइकन लाने के लिए हम इसे सिंपली ओपन करेंगे। अब ये ओपन हो रही है, आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, ये प्रीमियम बोल रहा है, पर आपको यहाँ पर क्लिक करना नहीं है, ऊपर में आपको ये इस पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में परमिशंस को अलाउ कर देना है, आपको यहाँ पर मिलेगा लॉकअप, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपकी सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी। आपको यहाँ पर सिंपल रखना है, ठीक है। अब ये होता क्या है, यहाँ पर ट्रांसलेट सिलेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जैसे कि अगर आप यहाँ पर सिंपल रखते हैं तो आपको ट्रांसलेट करके ही बताएगा आपको ये, यानी कि बोलकर नहीं बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप स्पीच कर लेते हैं तब आपको ये बोलकर बताएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपल ही रहने देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, जो जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है।
और आपको इसे ऑन, यानी कि अभी ये ऑफ है, अब आपका ये ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बैक करेंगे और आप इसे एक बार यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, तो अभी ये सेटिंग्स मांग रहा है, यानी कि करने के लिए, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स ऑन कर देना है, जैसे कि एक्सेप्ट, और इन्हें परमिशंस को आपको देने होती है सिंपली, ठीक है। कहीं टच करना है और इस तरीके से ऑन कर देना है, ये नीचे वाला नहीं करना है, ठीक है, ये वाला आपको नहीं करना है, तो अन्यथा एक शॉर्टकट और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक करते हैं और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर देखेंगे एक बार, उनमें इंटरनेट भी होना चाहिए, ठीक है, तो अभी ये नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे हम लॉकअप पर, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश अब करेगा ये सही से, क्योंकि हमें यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे कि ये ग्रामर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया है व्याकरण, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जीबोर्ड अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो वो आपको यहाँ पर एक्टिव कर लेना है, और अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे में, ठीक है, ये है आइकन, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे, और उसके बाद में जो भी आपके फ़ोन के अंदर कीबोर्ड होंगे वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको जी वर्ड वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर लेना है, उसके बाद में आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, अगर आप चैट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।